अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। वो लड़की कौन थी? मेरे अस्पताल में एक इंटर्न थी जिसे गलतियों की वजह से डिसमिस किया गया। वो लड़की और भी बहुत कुछ बोल रही थी आशु। डॉक्टर निधि यहाँ खुद आ रही है अपने अकाउंट्स क्लियर करने के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर रंगनाथ पेपर्स मेरे कैबिन में ले आई। आगे ही देखना है, हो सकता है जो आने वाला कल है वो बीते हुए कल से बेहतर हो। निधि, कोई था ना यहाँ? कहाँ, क्या पता नहीं। What are you doing? It's okay, Raj Kapoor. It's okay. जी ये फारुखाबाद कहाँ होगा? फारुखाबाद जी, ये लखनऊ है। जी मैं जानता हूँ ये लखनऊ है, लेकिन मैंने कहीं सुना था कि रोड एक्सीडेंट में मरने के बाद इंसान को ना फारुखाबाद लेके जाते हैं। अब मैंने कहा पूछ लेता हूँ, फारुखाबाद की जगह फैसाबाद पहुँच गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अब वैसे आपकी पिछले टायर की हवा कम है, चेक कर लीजिए। चेक कर लेते हैं, हटो। हवा तो बिल्कुल सही है। कहाँ गया? यही था ना। जी पागल है यार, गया कहाँ होगा? छोड़ ना, वो कैस, चल गाड़ी में बैठ, चल चलते। इडियट, चल। मुझे ना गोमती नगर जाना है, रास्ते में छोड़ देंगे? What? तुम यार, how dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निकलो बाहर। हिम्मत की क्या बात है, मैंने देखा आपके टायर में हवा कम है तो मैंने बता दिया। अब टायर में कितनी हवा होनी चाहिए ये मुझे थोड़ी पता है। आपकी राय और मेरी राय अलग हो सकती है ना, यू नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर है, आपने हमें बेवकूफ बनाया, धोखा दिया हमें। नीति, इसे बोलने उतरे, नहीं तो पुलिस स्टेशन चलते हैं। पुलिस स्टेशन क्या, तुम यही उतरो। एग्जैक्टली, पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहां से कोई ना कोई तो मुझे लिफ्ट दे ही देगा। वैसे मूंगफली खाएंगे? तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे ताजी है लखनऊ स्टाइल। आपको एक बात बताऊं, आज सुबह मेरे राशिफल में लिखा था कि आज मुझे दो लड़कियां टकराएंगे, पर वो दोनों ही ना मेरी नैया पार कराएंगे, तो प्लीज छोड़ दीजिए ना। एक काम करते हैं यार, इसे आधे रास्ते छोड़ ही देते हैं। मूंगफली आप खाएंगे? नीति बात सुन ना मेरी। हाँ रुक। तुम यहाँ तक आ गए? Get lost. अगर जाना ही होता तो आता क्यों? What? What? Eh? तुम यहाँ क्या कर रही हो? I mean, what are you doing here? देखो, तुम मेरा patience test मत करो, ठीक है? तुम्हें lift क्या दे दी? तुम यहाँ तक चले आए? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? Exactly. जाइए, जाइए यहाँ से। ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझे क्या पता? ये हमारा घर है, जाइए यहाँ से। Excuse me, ये आपका घर नहीं है, ये वो घर है जिसमें मुझे आना था। अच्छा, एक मिनट। एड्रेस कोटनिस वर्मा 492/7 गुमती नगर। एग्जैक्टली, अब आप ऐसा कीजिए, आप जहाँ जाने वाली थी ना आप वहाँ चली जाइए, मुझे अंदर जाना है लोगों से मिलने। ये एड्रेस निधि का है और ये घर भी निधि का है। Nice excuse. अच्छा बहाना है मुझे यहाँ से भेजने का, अभी पता चल जाएगा। छोड़ी सरकार, छोड़ी सरकार, बाबा की गन लेकर आई और बाबा को भी। क्या बात है निधि? बेटा क्या नमस्ते
ये कौन है? पता नहीं कौन है बाबा, घर में तक गुस्सा है। अंकल इसने एड्रेस भी कहीं से मार लिया है। मैं तो कहती हूँ पापा को कह के इसे ट्रेसपासिंग के केस में अंदर करते हैं। हेलो एक्सक्यूज मी, मैंने आपका पता मारा नहीं है, मुझे दिया गया है। किसने दिया आपको हमारा एड्रेस? आप वो सरकार, ये लोडेड है। रोहन, अरे ठीक से आया? हाँ, कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? जी सफर ठीक ही था। एक मिनट, कौन है ये? मैं वो टेनिस बॉल हूँ जिसे आप कितना भी अपने कोर्ट से बाहर मारेंगी ना, टिप्पा पड़ के वापस आप ही के कोर्ट में गिरूंगा। अरे बेटा ये रोहन है, इसे मैंने ही तो बुलाया है। इसको यहाँ पे नौकरी मिल गई है, जब तक इसको अपना घर नहीं मिल जाता ना, तब तक ये यही रहेगा हमारे साथ, है ना? कहाँ नौकरी मिली है? जी एक मल्टीनेशनल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है अंकल, मैं आपको अंकल तो बुला सकता हूँ ना अंकल? You already said it. Actually, मैं एक कंसल्टेंट हूँ। IIM के बाद बहुत ऑफर्स आए। अमेरिका की तो एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी ने इतना बड़ा पैकेज दिया कि जीरोस काउंट करने के लिए ना मुझे कैलकुलेटर लाना पड़ा। तो फिर मैंने अपने दिल से पूछा कि राज कपूर, राज कपूर? Actually, मेरा जो दिल है ना वो राज कपूर की फिल्म्स का इतना बड़ा फैन है कि मैंने उसका नाम ही राज कपूर रख दिया। तो मैंने दिल से पूछा कि राज कपूर तू पूरी जिंदगी मीठा रंगीन पानी बेचने के लिए पैदा हुआ है? तो राज कपूर ने कहा नहीं रोहन, तू दुनिया बदलने के लिए पैदा हुआ। तो मैंने वीजा का जो पेज था अपने पासपोर्ट से फाड़ दिया और मैंने कहा अमेरिका नहीं जाऊंगा, अमेरिका को यहाँ आना है तो आए, मैं जो करूं या ना करूं इंडिया में करूंगा। सो हियर आई एम। वाओ, हाउ नाइस। देखा निधि बेटा, देखा? अरे देखा, आप धन्य हैं सर जी, आपकी देशभक्ति ने वीर भगत सिंह की याद दिला दी। कहां फेंका है आपने वो अपने वीजा का पेज? प्लीज हमें बता दीजिए, हम उसे अपने संदूक पर चिपकाना चाहते हैं, प्लीज। Who cares? I don't know. पर आपका नाम क्या है? छोटे सरकार। सरकार, एक ग्लास पानी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। और हाँ, उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ देना तो क्या बात है। और नमक और शक्कर डाल दें तो वाह। अरे सर जी सीधे सीधे बोलिए ना, स्ट्रेट कट, आपको शिकंजी चाहिए? हाँ वही। यू ना, अरे अरे बेटा, अरे जा कह रहा है, बच्चे का सामान तो कमरे में लेके जा। नहीं दादी बुआ, अपना बोझ खुद ही उठाना चाहिए। देखा युवराज। Can you believe it? वो अब तेरे घर पे रहने वाला है। How awesome! Just shut up. पहले ही वो दादी बुआ को इम्प्रेस करके आया है, आते ही उसने बाबा और छोटे सरकार को भी पटा लिया है, और तू तो ऐसे बिहेव करी जैसे अभी जाके ऑटोग्राफ मांगी यूज से। मैं क्या करूँ यार, he's so cool. Oh, so cool. अंजी मुझे एक नंबर का फ्रॉड लगता है वो। Hey, यार रुक। देख अगर वो फ्रॉड हुआ भी तो हमें दो चार दिन में पता चल जाएगा, तब तक वो अपना एंटरटेनमेंट और टाइम पास। राज कपूर जी, टाइम पास ना तू कर, मुझे तो उसकी शक्ल से ही एलर्जी हो गई है। नो सॉरी, इस बात पे तो मैं बिल्कुल अग्री नहीं कर सकती, बिकॉज ही इज क्वाइट क्यूट, इनफैक्ट उसे हैंडसम तक कहा जा सकता है, इफ यू डोंट माइंड। आई डू माइंड। ओके Fine. लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, कम से कम तूने उसे नोटिस तो किया, थोड़ी देर के लिए सही, तेरी उदासी तो कम हुई। बुआ, लड़का तो इंटरेस्टिंग है, बातें बहुत मजेदार करता है। लेकिन बुआ इसका कोई आगा पीछा, कोई अता पता नहीं, मतलब हमारे घर में रुकेगा तो भरोसे का तो है ना? हे योगराज, मेरी ननद के ससुराल से है, आगरे में अक्सर आता जाता रहता था,
मैं इसके परिवार को अच्छे से जानती हूँ। अरे बहुत ही भले लोग, एकदम खानदानी। ठीक है बुआ, अगर आपको इतनी नान है तो फिर मैं क्यों चिंता करूँ। अरे तो मैं किसी भी अरे गहरे को घर में घुसने दूंगी, कुछ दिन रह के चला जाएगा, भला लड़का है। हाँ सरजी, चाय सरजी, चाय सरजी। ऐसे हो सरकार? सॉरी, ये चाय लाए थे आपके लिए। सरकार अभी तो नाश्ते का टाइम है। सर जी आप अपना शेड्यूल बता दीजिए हमें, कब क्या चाहिए, हम लेकर हाजिर हो जाएंगे। पता है सरकार, जब पूरी दुनिया काम पे जाती है ना तो हम आराम के लिए उठते हैं। आप काम पर नहीं जाते? एक फिलॉसफी बताता हूं, काम ना आराम है। वो क्या कहते हैं, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, फिर भी सब मस्त है। मैं ना काम के लिए नहीं जीता, जीने के लिए कभी कभी काम करता हूं। वाह सर जी वाह, आपने तो हमारे दिल की बात कह दी। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। हम चाय ले जाते हैं। अरे, इतनी मेहनत से बनाई है तो मैं पी लूं। छोटे सरकार स्पेशल चाय। जी सरकार। वेलकम। पता है राज कपूर, आई रियली लाइक इट हियर, मुझे बहुत अच्छा लगता है और सबको मैं पसंद भी हूँ, सिवाय उस लड़की के। क्या नाम है उसका? हाँ निधि, आई थिंक शी हेट्स मी। चलो कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, नफरत ही सही। अरे जी डॉक्टर आशुतोष नहीं आया अभी तक, जरा देखो तो कहाँ है। मैंने तो उन्हें कैंटीन में जाते हुए देखा। कैंटीन में? जी ठीक है, ओके। बस अभी खाना लगने में थोड़ा सा ही टाइम है। ये अरे निधि को तो बुला ला। जी बुआ जी। निधि बीबी जी, दादी बुआ जी आपको बुला रही हैं और हमने खाना लगा दिया है। लगा दिया तो मैं क्या करूं, आप प्लीज उन्हें जाके बोल दीजिए कि मुझे भूख नहीं। बीबी जी 2 बजने को आए, अब तो भूख लगनी चाहिए। तो क्या करें छोटे सरकार, भूख के पास घड़ी नहीं होती ना। मगर बीबी जी पेट तो होता है, आप पेट से पूछिए उसको भूख लगी है या नहीं। मैंने कहा ना आपसे, मुझे भूख नहीं लगी, आप प्लीज जाइए। ठीक है हम आपके रूम में ही ले आते हैं। जी नहीं प्लीज। आशुतोष मैं तुम्हारा लंच पे वेट कर रही थी। मैं अकेले खाना खाना चाह रहा था। तुम्हें इन्फॉर्म करना भूल गया। आई एम सॉरी, आई होप यू डिडंट माइंड।
You know, बहुत सारा काम है. I'm a little rush. Bye. लगता है उनका पेट भर गया. आप आइए मेरे साथ खाना खा लीजिए. आज मैं भी अकेला हूं. भूख लग रही है. क्या हुआ? अरे दादी बुआ, निधि बीबी जी ने आने के लिए मना कर दिया. कह रही है भूख नहीं. अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? अरे 2 बज गए हैं. हमने भी ये कहा था उनसे. कहने लगे भूख के पास घड़ी नहीं होती. तो हमने कहा पेट तो होता है. तूने क्या कहा? मुझे उससे मतलब नहीं है. आग क्यों नहीं रही है? मैं देखती हूँ. दादी बुआ, आप क्यों तकलीफ करती हैं? मैं देखता हूँ ना. मैं जानता हूं भूख में बहुत ताकत होती है. सत्याग्रहियों ने भूखे रह के ना अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया. लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आ रही. ना तो तुम सत्याग्रही हो ना मैं अंग्रेज, तो तुम भूखी रह के मुझे घर से बाहर क्यों निकालना चाहती हो? अपने आप को ना इतना क्रेडिट मत दो. तुम्हें यहां से भगाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं. दैट मींस तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं अगर मैं आ रहा हूं, राइट? लुक, तुम्हें दादी बुआ ने यहां बुलाया है. तुम हमारे मेहमान हो एंड ऑल दैट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी पसंद और नापसंद में इंटरफेयर करो. मेरे किसी भी मामले में इंटरफेयर करने वाले तुम होते कौन हो? नो वन. एग्जैक्टली. लेकिन मैं ना तुम्हें पूरा अधिकार देता हूँ, पूरा अधिकार देता हूँ कि मेरे हर मामले में दखल दो. कुछ नहीं बोलूंगा. एक मिनट, व्हाई आर यू सेइंग दिस? मैं तुम्हारे किसी भी मामले में इंटरफेयर क्यों करूंगी? अरे क्योंकि मैं यहाँ नया हूँ, अजनबी हूँ, किसी को जानता कहाँ हूँ. इतनी सारी प्रॉब्लम्स होंगी, कोई तो हेल्प करना चाहिए ना. आई मीन इफ यू रियली वॉन्ट टू हेल्प मी. और हाँ एक और बात, आई होप यहाँ पे ना खूबसूरत लड़कियां ना. क्योंकि ये सारी खूबसूरत लड़कियां ना मुझे देख के मुझसे प्यार करने लग जाती हैं. फिर कहां मकां उनका दिल दुखाना पड़ेगा. ये कॉम्प्लिकेशन से मुझसे नहीं हैंडल होती. अब कोई दवाई ले लेगा वो नींद की गोलियां, कोई नदी में कूद जाएगा. आई हेट दिस मेलोड्रामा. मुझे ना प्यार से नफरत है. आई हेट लव. तो तुम फिक्र मत करो, मुझे तुम्हारे भूखे रहने के अधिकार की इज्जत करनी है. मैं इज्जत करता हूँ, तो डोंट वरी. मैं दादी बुआ को बोल दूंगा तुम्हारा पेट खराब है. बाय. फिक्र मत कीजिए दादी बुआ, निधि का पेट खराब है इसलिए नहीं खा रही. पेट खराब है? वही तो मैं कह रही थी. अरे मेरी बच्ची ऐसी नहीं है जो बेकार की बातों पे जिद करे. मेरी बच्ची तो बहुत ही प्यारी, सुशील, योग्य और मेहनती. तो बेटा इतनी कि जिस अस्पताल में वो काम करती थी ना, अरे वहाँ पर पूरा का पूरा चिल्ड्रन वार्ड अकेले संभालती थी. अच्छा, तो फिर छोड़ा क्यों? ये अच्छा हुआ उस मनहूस अस्पताल से मेरी बच्ची का पीछा छूटा. अरे वरना तो वो लोग मेरी बच्ची से काम करा करा के, नाइट ड्यूटी करा करा के उसकी जान ही ले लेते. सर जी, इसके पीछे भी एक खतरनाक राज है. अच्छा, क्या राज है? एक बार मनहूस खाना लगा दे प्लेट में बेटा. काका, काका कोई गोली वोली है क्या? गैस चढ़ गया लगता है मुझे. आशुतोष के कमरे में साइड टेबल के ड्रॉअर में देखो, शायद वहां होगी. अच्छा.
मेरी गैर हाजिरी में ये गुलाब आपको देखा करेगा और जब भी आप इसे देखेंगे ये आपको गेट वेल सून कहेगा। काका ये नोट किसका है? निधि बेटी का। आशुतोष जब बीमार था तो वो ये गुलाब का फूल और चिट्ठी छोड़ गई थी। तो वो अक्सर यहां आया करती थी? हाँ बेटे, निधि इस घर में और आशुतोष की जिंदगी में हंसी लेकर आई थी। उसके आने से आशुतोष और ये घर खिल उठते थे। कभी कभी तो वो इतनी सुबह आती थी जैसे आशुतोष की अलार्म वाली घड़ी हो। यहां तक कि वो आशुतोष पे रोब जमाती थी और अपनी बात मनवा लेती थी। आशुतोष तुरंत मानता नहीं था लेकिन बाद में मान लेता था। जब तक यहां रहती उसकी मौजूदगी से यह घर महकता रहता। बेटा क्या है इस चिट्ठी में? आशुतोष ने आपको कभी नहीं बताया? ये बातें इंसान सारी दुनिया से छिपाता है। लेकिन ऐसा है क्या इस चिट्ठी में? काका इस कागज के सीने में वो राज बंद है जिसकी ताह आप और मैं नहीं पा सकते। कैसा राज बेटा? ये तो आशुतोष ही बताएगा आपको। Leave me alone. क्या हुआ दीदी? मैं जीत के भी हार गई सुहासिनी। आशुतोष को पाना तो दूर, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने अपना दोस्त भी खो दिया। कैसी दोस्ती दीदी? जिसने आपकी 12 साल तक परवाह नहीं की वो? तुम्हें क्या पता सुहासिनी, उन्हें मेरी कितनी परवाह थी। उन्हें मेरी छोटी से छोटी बात का कैसा ख्याल रहता था। किचन का नल खराब हो जाता था तो आशुतोष उसे बनाने आ जाते। माइक्रोवेव काम नहीं कर रहा होता तो आशुतोष उसे ठीक कर देते थे। He was always there when I needed him. आज तक कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब उन्होंने मेरे बिना लंच किया। और आज तो उन्होंने दीदी जो काम डॉक्टर आशुतोष ने किया है वो काम तो कोई मामूली सा प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन भी कर देता। इसलिए ये समझना कि ये काम उन्होंने आपकी 12 साल की दोस्ती की वजह से किया है तो ये आपकी नासमझी है। हाँ सुहासिनी, इस घर में सबसे ज्यादा समझदार तो तुम्ही हो ना। सुहासिनी आशुतोष मुझसे बात करने को तैयार नहीं है और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं होती दीदी। आपने दही की जगह चूना निगल लिया था और वही चूना आपका गला काट रहा है। शट अप सुहासिनी। मैं तो सिर्फ आपकी मदद कर रही थी दीदी, क्योंकि आप अपनी हैं। आपका दुख मेरा दुख है, वरना किसी के फट्टे में टांग अड़ाना मेरी आदत नहीं। Shut up, Swasni, please, shut up and leave me alone. Go! Go!
सरकार जी। जी आपसे ना एक बात पूछनी थी। पूछिए पूछिए सर जी। आपकी ये जो निधि बीवी जी हैं, ये हमेशा से ऐसी हैं क्या? हमेशा से नहीं सर जी, जब से ये भूत का साया उनके पीछे लगा है तब से ऐसा हो रहा है। भूत? सर जी हमारे बजरंगपुर में भी एक लड़की के साथ बिल्कुल ऐसा ही केस हुआ था। बजरंगपुर? आप बजरंगपुर के हैं? हाँ। वही बजरंगपुर जिसके हनुमान मंदिर के पीछे बड़ा सा पीपल का पेड़ है। हाँ हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम? अरे कमाल करते हैं सरकार जी, उस बजरंगपुर में तो मैं कितनी बार जा चुका हूँ, मामा रहते हैं मेरे। वाह सर जी वाह, ये तो कमाल हो गया। हमें लग रहा था आपके और हमारे बीच जरूर कोई कनेक्शन है। लेकिन ये सब बातें तो होती रहेंगी सरकार जी। आप वो निधि बीबी जी के बारे में क्या कह रहे थे? सरकार जी। सर जी अब भी सावधानी से रहिएगा, इस घर पर भूत का साया है, भूत का साया। आदित्य तुम ही मुझे बताओ, क्या मैं बहुत बुरी हूं? तुम तो मुझे बचपन से जानते हो, क्या मैंने कभी किसी को हर्ट किया है, किसी को चोट पहुंचाई है, किसी को दुख दिया है? नहीं दीदी नहीं, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आपने कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, बल्कि हमेशा सबका ख्याल रखा, दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों को पोस्टपोन किया आपने हमेशा। आज तक किसी को एक कड़वा शब्द नहीं कहा। लेकिन मैंने आशुतोष को चोट पहुंचाई है। लेकिन तुम ही बताओ आदित्य, जिस इंसान के लिए मैंने इतने साल इंतजार किया, अपनी आंखों के सामने मैं उसे किसी और का होते कैसे देख सकती थी? दीदी, दीदी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आपकी जगह कोई और होती ना तो वो भी यही करती। लेकिन शायद मैं उस हद तक नहीं जाती जिस हद तक पहुंच गई। लेकिन आदित्य मैं टूट रही थी और सुहासिनी मुझे पुश कर रही थी, मैं आग में जल रही थी और सुहासिनी उसमें घी डाल रही थी, सुबह शाम हॉस्पिटल में घर पे, मैं आग से गिर गई थी आदित्य, मैं क्या करती? मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं वो करूंगी जो मैंने कर दिया। मैं इतनी गिरी हो सकती हूं, मैं नहीं सोच सकती थी आदित्य, मैं बहुत बुरी औरत हूं आदित्य, मैं बहुत बुरी औरत हूं। नहीं। तुम अब भी मेरी वो प्यारी दीदी हो, मैं सुहासिनी को समझा दूंगा, उसे चुप करा दूंगा, उसे कहूंगा कि आप पर प्रेशर ना डाले। मैं जानती हूं आदित्य, सुहासिनी जो भी कर रही है मेरी भलाई के लिए कर रही है, लेकिन उसकी वजह से जो मैंने चाहा था वो तो नहीं मिला, उल्टे मुझे लगता है कि जो मेरे पास था वो भी खो जाएगा। शे और मात। कमाल हो गया आज तो आशु, आज तक मैं तुझसे चेस में कभी नहीं जीता और आज लगातार तीसरा गेम जीत गया हूं। या तो मेरी चेस इंप्रूव हो गई है जो कि नामुमकिन है, या फिर तुम्हारी चेस में जंक लग गया हो।
जो नामुमकिन तो नहीं लेकिन मुश्किल जरूर है। या कोई तीसरी बात है जो क्या बात है आशु? ऐसी कोई बात नहीं है, तेरी चेस में इंप्रूवमेंट आ चुकी है। तो फिर जीतकर मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही है आशु? हाउ शुड आई नो यार? ऐसा है कि मेरी चेस जैसी भी हो गई हो लेकिन मेरी आंखें जो है ना वो बिल्कुल ठीक है और मैं ये देख रहा हूं कि तुम्हारा ध्यान कहीं और है। कहां है तुम्हारा ध्यान? हाँ, ओ किसने चुरा लिया है तुम्हारा ध्यान, वो भी चेस से? बोर्ड फिर से सेट करना, नया गेम खेलते हैं, देखना मैं तेरी बैंड कैसे बजाता हूं। Come on, set the board, or not, I challenge you. No. पहले तुम मुझे ये बताओगे कि वो लड़की कौन थी। कौन सी लड़की? वही लड़की आशुतोष जो उस दिन पार्टी में आकर तुमसे सवाल पूछ रही थी और तुम जवाब देने के बजाय वहां से भाग गए। वही लड़की जो तुम्हारे लिए ना जाने क्या क्या पका कर लाती थी और जिसने तुम्हारे बेडरूम के पर्दे भी बदल दिए थे। वही लड़की जो एक गुलाब के फूल के साथ एक कागज के टुकड़े में वो राज बंद कर छोड़ गई जिसकी तह तक जाना मुझ जैसे इंसान के लिए मुश्किल है। वही लड़की डॉक्टर आशुतोष, कौन थी वो लड़की?